अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों दुर्गा माता को कलर करना सीखेंगे। पहले तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दुर्गा माता को और शहर को कलर पेंट कर देंगे वाइट कलर से। वाइट कलर से पेंट कर देने के बाद दोस्तों अभी फास्ट शहर को पेंट करेंगे। तो पहले तो मैंने बाल को कलर कर दिए हैं दोस्तों, शेर के बाल को ब्लैक कलर से, और शरीर का दोस्तों ऑरेंज और ब्राउन कलर को थोड़ा बहुत मिक्स करके कुछ इस प्रकार से पेंट कर दिए हैं। यदि दोस्तों तो इस मूर्ति को बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद। तो दोस्तों इसी प्रकार से शेर को पेंट कर देते हैं पहले। दोस्तों शेर का काम बन तो गया, अभी बस दुर्गा माता के कलर करने और डेकोरेट करना बाकी है। तो अभी उसी के लिए कलर मिक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों। कलर है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर और ऑरेंज और येलो थोड़ा सा। तो इसी को तीनों कलर को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा। तो इसी को मैं शरीर के सब तरफ पेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अंत तक बन रही है वीडियो के साथ। शरीर के सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी ब्लाउज पर दोस्तों ग्रीन कलर से पेंट कर देंगे कुछ इस टाइप से। अभी कुछ इस प्रकार से बालों के ऊपर ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे दोस्तों। बालों को कलर कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से कपड़ा लेंगे, आप जो चाहे वो कपड़ा यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नीला कलर का कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अपने हिसाब से कोई भी कलर का यूज़ कर लेना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने वहाँ पर ग्लू की मदद से चिपका देंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे करके चिपका देंगे वहाँ पे। दोस्तों अच्छी तरह से चिपका देने के बाद कुछ इस प्रकार से वेल चेन को मैंने चेन बना लिया था, इसी को कमर बंधन के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से वहाँ पे कमर के साथ बांध देंगे, और इसी प्रकार से थोड़ा छोटा सा टुकड़ा कपड़ा लेंगे और दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ से यहाँ पे चिपका देंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन बना लिया था गले के हार को कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो इसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से वॉल चेन की मदद से बना दिया था, तो इसी को हम गले का हार बना देंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों मैंने मुकुट का, मतलब माता के मुकुट के लिए भी बना दिया था, तो इसी को भी वहाँ पे चिपका देंगे माता के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से चिपका देने के बाद आँखों पर शरीर का कलर पेंट कर देते तो वहाँ पर वाइट कलर फिर से पेंट कर देंगे और वहाँ पर बना देंगे आँख और होठों पे कलर कर देंगे दोस्तों।
दोस्तों आँख और ओठों को कलर कर देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और वीडियो को शुरू से अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हो त्रिशूल पकड़ा देने के बाद हमारा दुर्गा माता जी की फाइनल लुक।